नमस्कार दोस्तों, मैं आज आया हूँ महाकाली मंदिर जो गढ़वाल अल्मोड़ा के बीच एक ऊपर चोटी पे है, जो मेरे ख्याल से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है और स्याले ब्लॉक से 30 किलोमीटर पड़ता है। और आज मैं यहाँ पे सुबह आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़े और सुबह की आरती हम बस करने ही जाएंगे अभी। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने लोग हैं हम हमारे साथ महाकाली मंदिर में आरती के साथ जुड़े। ये सुबह का नज़ारा है, यहाँ का एक बहुत ही सुंदर, यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और सुबह सुबह हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जुड़े हमारे साथ। और हमारे साथ दिनेश पटवाल जी जुड़ गए हैं। जय माता दी। तो सुबह का मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ और बस हम बस कुछ देर में आपको आप भी हमारे साथ आरती करें। चलिए आइए। एक बार मैं आपको फिर सूर्य के दर्शन कराता हूं, बहुत ही खूबसूरत। जैसे कि कई लोगों की डिमांड थी कि सुबह आरती का आप लाइव दिखाएं तो काफी अच्छा रहेगा, तो आप भी जुड़े सुबह सुबह। आज संडे है तो मुझे लगा सभी लोगों की छुट्टी होगी, आज लोग घर में होंगे। लोग छुट्टी के दिन वैसे लेट उठते हैं। मैं आपको गेट भी दिखाता हूँ और अब हम थोड़ा अंदर चलते हैं। बस यहाँ पे अब आरती की तैयारी चलने वाली है। तो यहाँ पे तैयारी चलते तब तक मैं आपको एक बार बाहर का नजारा दिखा देता हूँ दोबारा से। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि और लोग भी जुड़ सके इस आरती में आज की। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आइए चलते हैं। चलो आरती अब शुरू होने वाली है।
चलो आइए आप, आपको एक नीचे ये जो गढ़वाल अल्मोड़ा की तरफ जो रास्ता जाता है, इस रास्ते को भी दिखाएं। ये ईस्ट की तरफ है, पूरब की तरफ, और यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सुबह का। ये ऐसे मौके शायद कम ही मिलते हैं यहाँ पे आने के, और सुबह सुबह अगर आप आएंगे तो पूरी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और आसमान में देखे तो बिल्कुल साफ है। और ये हवन कुंड है, यहाँ पे हवन किया जाता है, हमारे पुजारी जी भी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ गेट की कितनी खूबसूरती से उन्होंने कलाकारी करी है। ये मेन गेट है, देखिए Thank you.
और ये पश्चिम की तरफ, ये उत्तर की तरफ है। यहाँ पे पूरे जंगल है, बांस के पेड़ हैं, बांज के पेड़ हैं जिन्हें ओक भी कहते हैं। बांज एक बहुत ही कठोर चीज़ है जिससे गांव में लोग जैसे कुदाल और कुल्हाड़ी वगैरह के लिए भी, हल बहाने के लिए, जितने भी ऐसी चीज़ें उसके उसके लिए बनाया जाता है। बांस के आजकल फूल के साथ लोग जूस पी रहे हैं और बहुत वो हेल्थ के लिए कह रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो हम भी चाहते हैं कि आप नेचुरल जो चीज़ें हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फिंगर मिलेट हो गया या जिगोर क्वाथ, जो भी है, उन चीज़ों को यूज़ करें और उसका बेनिफिट है हमारे हेल्थ के लिए।